पीएम मोदी के न्यू लुक से क्यों परेशान है पाकिस्तान? पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी से पाक पंडितों में क्यों मची खलबली? पीएम मोदी को क्यों बताया भगवान कल्कि का अवतार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनसे दुनिया के ताकतवर मुल्क भी अछूते नहीं रह पाते हैं। यूं तो पीएम मोदी के हर कदम पर देश दुनिया की नजरें रहती हैं, लेकिन इन दिनों उनकी बढ़ती दाढ़ी गहन चर्चा का विषय बनी हुई है। आलम यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी से सहमा हुआ है, या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी के न्यू लुक से उसकी नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी में पाकिस्तानियों को भगवान कल्कि नजर आने लगे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। 22 मार्च 2020 ये वो तारीख है जब कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जुटे पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। उस वक्त पीएम मोदी की दाढ़ी करीने से कटी हुई थी। फिर करीब 3 महीने बाद जून में अनलॉक 2 की घोषणा के बाद जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी। तब से लेकर आज तक पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ती ही जा रही है, जिसके अब सियासी और ज्योतिष मायने भी निकाले जा रहे हैं। आलम यह है कि दिन पर दिन पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी पर पाकिस्तान भी नजर रखे हुए हैं। असल में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी से जुड़े पाकिस्तान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी ज्योतिष पीएम मोदी को लेकर अजीबोगरीब दावे कर रही है। पाक ज्योतिष का दावा है कि नवंबर 2019 के बाद से पीएम मोदी का बुरा समय चल रहा है, वो जानबूझकर अपनी दाढ़ी बढ़ा रही हैं। इसके पीछे की वजह है अखंड भारत के सपने को हकीकत का रूप देना। हालांकि मजबूरी में ही सही, लेकिन ये भी माना कि पीएम मोदी नंबर एक नेता हैं और भगवान कल्कि के अवतार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी के न्यू लुक को छत्रपति शिवाजी से भी जोड़ रहे हैं। आधुनिक भारत में हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में हो रही हो, देश में भी इसको लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। एक ओर जहां राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं कि पीएम मोदी दाढ़ी बढ़ाकर क्या करने वाले हैं, वहीं शशि थरूर पीएम मोदी की तुलना ऋषिराज और वॉरियर किंग से कर चुके हैं। अब अगर बढ़ती दाढ़ी के ज्योतिष मायने निकाले जाएं तो सनातन परंपरा में बाल दाढ़ी बढ़ाने को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं मौजूद हैं। ज्योतिर्विदों का कहना है कि सनातन परंपरा में कई बार किसी महायज्ञ, बहुत बड़े प्रायोजन को लेकर घर या समाज का प्रधान व्यक्ति संकल्प लेता है। इस संकल्प के पूरा होने तक वो अपने केश नहीं कटाता है। प्रयोजन यज्ञ या वो बड़ा काम पूरा होने के बाद वो अपने केश दान करता है या फिर गंगा में उन्हें प्रवाहित करता है। इसी तरह पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी के पीछे भी कई ज्योतिष मायने निकाले जा रहे हैं। ज्योतिर्विदों का ऐसा मानना है कि बढ़ती दाढ़ी के पीछे पीएम मोदी का कोई बड़ा संकल्प हो सकता है। संकल्प के तौर पर राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो सकता है, देश से कोरोना का जड़ से सफाया हो सकता है, पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना हो सकता है, या फिर अखंड भारत के सपने को हकीकत का रूप देना भी हो सकता है। बहरहाल पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को लेकर किसी तरह की कोई पुख्ता रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है और ना ही कभी उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है, जिसकी वजह से उनके न्यू लुक को लेकर पाकिस्तान से लेकर भारत में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी के पीछे की असल वजह क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तानियों को उनमें कल्कि का अवतार नजर आ रहा है। पीएम मोदी के इस न्यू लुक को लेकर आपकी राय क्या है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।